राज्य में हाल के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेडीयू नए साल के उपहार देने की तैयारी में है। वहीं चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले को कार्रवाई भी की जा सकती है। इसकी घोषणा 10 जनवरी को राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक में होने की संभावना है। इस बैठक में पार्टी के अन्य राज्य स्तरीय संगठन में भी आमूलचूल बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत राज्य स्तर से बूथ स्तर तक संगठनों में बदलाव होगा और कर्मठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंपी गई है, इसके साथ ही पार्टी के नए साल में काम करने का अपना लक्ष्य तय किया गया है। कुछ इसी तरह के बदलाव के संकेत हैं। इन सब का मकसद पार्टी संगठन को राज्य में मजबूत करना और नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का है। साथ ही संगठन में बदलाव के बाद पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाकर सरकार के कामकाज और आम जनता तक पहुंचाना और आम जनता की फीडबैक पानी है। बिहार डेस्क, नेशन न्यूज़, पटना।